पूरा सीना फाड़ कर बाबा का बुलडोजर निकलेगा और फिर कोई नहीं बचाने आएगा। इस्लाम में ऐसी कोई भी जगह कुरान में नहीं लिखी है। मैंने सारे सेक्शन पढ़े हैं, 15 बार कुरान पढ़ी है। कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट लेकर ये कह रहे थे कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हम पूर्णतः समर्थन करेंगे तब निर्णय आएगा। जब इनके निर्णय पक्ष में नहीं आता, जब अयोध्या का निर्णय इनके पक्ष में नहीं आता, तो ये जजों पर ही हमला, जानलेवा हमले करने पर उतारू हो जाते हैं। विपक्ष इसको इसलिए नकार रहा है क्योंकि उन्हें वो 20% वोट चाहिए जो उन्हें ओखला, सहारनपुर और अन्य जगहों पर मिलता है। उन्हें वो वोट नहीं चाहिए जो वाराणसी, अयोध्या, काशी ऐसे स्थानों पर मिलता है उन्हें। दोस्तों, जिस तरह से गोरखपुर के अंदर मुर्तजा को लेकर एक अलग ही बवाल छिड़ा हुआ है, अगर बात करें जिस तरह से मुर्तजा को लेकर उसके लिंक निकल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वो दिमागी रूप से बहुत ही परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसको जानबूझकर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है। हमारे साथ नयन है, उम्र 16 साल है, राजनीति के बहुत जानकार है। नयन, कैसे देखते हो जो मुर्तजा वाली पूरी कंट्रोवर्सी है? ये एक प्रीप्लान्ड साजिश है, साफ और स्पष्ट तौर पर ये एक प्रीप्लान्ड साजिश है। किस तरीके से विक्टिम बनाया जाए उसे और किस तरीके से उसे पागल घोषित करके उसे विक्टिम बनाया जाए और आतंकवाद से वो अपना मुंह मोड़कर उसका पूरा परिवार ये बचाव कर रहा है कि हाँ अब योगी बाबा का बुलडोजर चल जाएगा अगर मैं आतंकवादी निकला तो। अब उसके पापा को पता है कि अगर मैं आतंकवादी या मेरा बेटा आतंकवादी निकला तो पूरा सीना फाड़ कर बाबा का बुलडोजर निकलेगा और फिर कोई नहीं बचाने आएगा। इसीलिए अब ये मेंटली डिस्टर्बेंस है। और मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी मौलाना उसका समर्थन कर रहे हैं, वो पागल क्यों हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो पागल मंदिर पर हमला कर ही हो गया ये मुझे अभी सुनने में आ रहा है। क्योंकि मंदिर पर हमला कर सिर्फ मंदिर ही मिला उसे मारने के लिए, उसे ना मस्जिद मिला, उसे ना चर्च मिला, उसे ना गुरुद्वारा। और मैं तो चाहता हूँ कहीं भी हमला ना हो, सारे पवित्र स्थल है, लेकिन हमेशा मंदिरों पर ही हमला क्यों होता है ये भी समझने का एक तथ्य है। क्यों? क्योंकि मंदिर ये देख नहीं सकते, ये भगवान राम का राम मंदिर नहीं देख सकते बनते हुए, ये वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं देख सकते, और ये मथुरा में जो अभी कृष्ण भगवान की तैयारी चल रही है वो नहीं देख सकते। बस इनकी यही दिक्कत है। बात ये है कि विपक्ष इस समय कह रहा है कि ये वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, जानबूझ के इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है। मेंटली डिस्टर्ब का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। मेंटली डिस्टर्ब है तो जाइए उसे पागल खाने में एडमिट कीजिए, मेंटली डिस्टर्ब है तो गोरखपुर में इतने अच्छे अच्छे पागल खाने इन्हीं पागलों के ये योगी जी ने निर्माण करेंगे 5 साल में, जाएं और वहां पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्या दिक्कत आ रही है इनको। लेकिन पागल है फिर आतंकवादी है तो अब उसे छोड़ क्यों रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो जाकिर नायक की घटिया स्पीचे सुनता था, ये UPATS की रिपोर्ट्स में है। वो ऐसी ऐसी आतंकवादी गतिविधियों में है जहाँ ISIS का भी उससे टेरर कनेक्शन है, वो उसके लैपटॉप में एक्सेस मिला है, तो वो पागल कैसे हो सकता है? एक IIT पास आउट छात्र कम से कम 95% लाता है, मेरे तो फिर भी 89 आते हैं, वो 95 लाता है तो वो तो IIT पास आउट पागल कैसे हो सकता है मैं नहीं जानता। मैंने एक बात ये जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है इस मामले को लेकर, इसके तार ISI से जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो वो भी विपक्ष आखिरकार फिर इसको क्यों नकार रहा है? विपक्ष इसको इसलिए नकार रहा है क्योंकि उन्हें वो 20% वोट चाहिए जो उन्हें ओखला, सहारनपुर और अन्य जगहों पर मिलता है। उन्हें वो वोट नहीं चाहिए जो वाराणसी, अयोध्या, काशी ऐसे स्थानों पर मिलता है, उन्हें वो वोट नहीं चाहिए। विपक्ष को तो वो 20% सिक्योर कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब वो 80 सक्रिय है। मेरा बार बार 20-80 का एक फॉर्म है कि वो 20 उत्तर प्रदेश का विनाश भी चाहता है, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त भी चाहता है, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त भी नहीं चाहता है। वो 20% उत्तर प्रदेश का विनाश भी चाहता है, उत्तर प्रदेश का विकास भी नहीं चाहता है, और उत्तर प्रदेश में हमेशा आतंकवाद चाहता है। और ISIS का टेरर कनेक्शन तभी साबित हो रहा है जब ये निकला है, तो कहीं ना कहीं वो सच में आतंकवादी है ये मानने की आवश्यकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लॉयर्स का जो पैनल होता है वो उसे करेगा या कोर्ट उसे अमेंडमेंट करके सजा देगा तो मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे असुद्दीन ओवैसी ने मठ में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, बाद में आ गए और लठ लेके इनके ही बजा दिए, वो अलग बात है। और बात रही दूसरे राज्यों की, मौलाना भी बहुत सारे समर्थन में उतरे हैं कि आतंकवादी नहीं है, उसको जानबूझ के परेशान, उनकी तो पॉपुलैरिटी इसी में है, मौलाना तभी बचाव करेंगे आतंकवाद का। अभी आप कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट ले लीजिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट लेकर ये कह रहे थे कि कर्नाटक हाईकोर्ट में हम पूर्णतः समर्थन करेंगे तब निर्णय आएगा। जब इनके निर्णय पक्ष में नहीं आता, जब अयोध्या का निर्णय इनके पक्ष में नहीं आता, तो ये जजों पर ही हमला, जानलेवा हमले करने पर उतारू हो जाते हैं। धमकियां मिली ना जजों को, तो वो क्या चाहते हैं? कानून प्रणाली पर आप विश्वास नहीं करते, आप शरिया पर विश्वास करते हैं। हमेशा आपको एक ही चीज चाहिए, डैश 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 और ISIS और तालिबान, इनका यही है। अभी किसी को खड़ा करके मौलाना को पूछ लीजिए, आप तालिबान का समर्थन करते हैं, आप तालिबान का विरोध करते हैं, वो कहेगा गलत कर रहा है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि पूर्णता गलत है। वो अगर उनसे पूछ लीजिए क्या इस्लाम में ये जगह दे रखी है जो वो कहता है, गलत जवाब नहीं।
इस्लाम में ऐसी कोई भी जगह कुरान में नहीं लिखी है। मैंने सारे सेक्शंस पढ़े हैं, 15 बार कुरान पढ़ी है और 300 बार गीता पढ़ी है। एक भी सेक्शन ऐसा नहीं बता पाएगा कोई भी मुसलमान कि पर्दा जरूरी है। हाँ, उसमें आंखों का पर्दा लोगों के लिए यानी लड़कों के लिए बोला गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई पर्दा नहीं बोला गया है। ये पर्दा नशी पर्दा हटा और मोहब्बत कबूल कर और इन आतंकवादियों को जरा देश से बाहर कर, ये भी आवश्यकता है। और बात रही इन जैसे लोगों की, तो ये मौलाना सिर्फ इसीलिए समर्थन करें क्योंकि इनकी रोटियां इस पे सिकती हैं। अगर ये समर्थन नहीं करेंगे आतंकवाद का तो किस प्रकार चलेंगे। कल कर्नाटक हाईकोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद एक आतंकवादी जो बहुत ज्यादा था, आपने भी देखा होगा न्यूज 18 इंडिया पे कल उसका डिबेट चल रहा था, इस पे मैं भी लाइव था, उस पे इनका डिबेट चल रहा था अमीश देवगन जी का, तो वो मौलाना समर्थन कर रहा है और वो आतंकवादी है और उसके समर्थन में बाकी मौलाना कह रहे हैं कि वो गलत है, मौलाना का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं। आप साफ बोलिए कि वो बेवकूफ है, वो पागल है और उसे पागल खाने में होना चाहिए, उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए अगर वो आतंकवादी है तो। लेकिन आप उसका मुंह में क्या समर्थन कर रहे हैं, ये भी तो मुझे बताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी जी पर आरोप भी तो लगता है कि चाहे बुलडोजर हो अल्पसंख्यकों को लेकर, जिस तरह से मौलानाओं के आरोप हैं या विपक्ष के आरोप हैं, अल्पसंख्यक बड़ा प्रताड़ित है। अल्पसंख्यक बहुत प्रताड़ित है। अल्पसंख्यकों को आवास मिला, अल्पसंख्यकों को उज्ज्वला योजना का सिलेंडर मिला, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिली है। मेरे ख्याल से तो शायद इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। मैं सहारनपुर में भाजपा का प्रचार करके आया हूँ 1.5 महीना। सहारनपुर में 45% मुस्लिम आबादी है और सारों ने एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है, और जिस सीट का मैंने प्रचार किया है वहाँ से हजारों के अंतर से भाजपा जीती है और प्रत्याशी थे राजीव गुंबर जी। तो कौन कैसे कह सकता है कि मुसलमान बीजेपी का समर्थन नहीं करता और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है। हाँ, उन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो सकता है जो कवाल कांड में लड़कियों को परेशान करते हैं, उन अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो सकता है जो मुख्तार अंसारी विकास दुबे जैसे टट्टू हो सकते हैं, लेकिन हाँ बहुसंख्यक भी परेशान नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट सकती है तो इन लोगों पर कार्रवाई हो रही, तो वो अल्पसंख्यक कैसे परेशान हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। आरोप ये भी तो है ना कि आतिक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, टारगेट तो है, तो इनको क्या महलों में घुसेड़ दें। अब अगर कोई कार्रवाई है, अगर कोई वो है अहमदुल्ला आजम या आजम खान, इनको क्या महलों में डाल के, शाहजहां के ताजमहल में डाल के सजाया जाए, इनकी कुर्सी सजाई जाए। अब जब आतंकवादी हैं, योगी जी ने स्पष्ट कहा था कि जो आतंकवादी है उसके साथ तो उस पर तो छाती पे बुलडोजर चढ़ के उसे रौंद देना चाहिए। अब उसको माला पहना कर उसका स्वागत करेंगे और उसे बोलेंगे कि आइए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हमारी भूमि पर आइए और आतंकवादी का समर्थन करके इसे सस्ता ले जाइए, ये नहीं चलेगा। अगर वो आतंकवाद हमारी धरती पर कर रहा है तो उसे उसी के अंदर गाड़ के उसे बताएंगे कि हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं चलेगा, बहुत सारे और लोग हैं उनसे भी चर्चा करते। क्या नाम है सर? यश शुक्ला। क्या देख रहे हैं पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी है मुर्तजा वाली? देखिए, मुर्तजा आतंकवादी था, ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, और जो मुंबई कसाब आतंकवादी था, ठीक है, वो पहली बात चीज़ सुनिए मेरी बात, इस्लाम जो आधुनिकता में हो, ठीक है, जो गवर्नमेंट के सांसद या पार्लियामेंट के तहत चलता हो, संविधान के तहत चलता हो, वो सच्चा मुसलमान नहीं है, वो खुदा का अनुयायी नहीं है। लेकिन जो बम पहन कर लोगों के बीच फटता हो, वो अल्लाह का अनुयायी है। जो मुंबई ताज होटल में हमला करता हो, वो सच्चा संदेशवाहक, सबसे बड़ी बात, तो देश को तोड़ने का काम करता हो, वो सच्चा संदेशवाहक हो। जो अफगानिस्तान में आपने देखा यहाँ के जो मुर्तजा जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, वहाँ के तालिबान उनके नज़र में खुदा के बराबर थे, मुसलमान ही मुसलमान की नज़र में काफिर बन के बैठा था। तो हमारी क्या इसमें हिसाब किताब है? करौली में जिस तरीके से शांति तरीके से निकाला जा रहा था रामनवमी पे, और उन पे बम फेंका गया, पेट्रोल बम फेंका गया, गाड़ियाँ तोड़ी गई, दुकानें जलाई गई, ठीक है, ये कहाँ का शांति वार्ता है और कहाँ का इसके अनुयायी है? कौन से उसमें लिखा है कि इस तरीके से कांड किया जाता? लेकिन जब हमारा बजरंग दल वाले, हनुमान बजरंग दल वाले या हिंदू युवा वाहिनी वाले तलवार लेके आते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये भगवा आतंकवादी हैं। भगवा आतंकवादी किस प्रकार से है? हमारे क्या ग्रंथों में माँ दुर्गा ने तलवार नहीं ले रखा या हनुमान जी ने गदा नहीं ले रखा है? ये भी है ना कि जिस तरह से कहा जाता है कि वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, क्यों इतना बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है? भाई, मेंटली डिस्टर्ब क्या है? अभी छोटा सा बच्चा इस पे, अभी कांग्रेसी आ जाए, कोई अपाई आ जाए, उस पे सवाल उठा लेंगे कि 16 साल का बच्चा है, प्रवक्तागिरी कर रहा है, ये कर रहा है। अब 56 साल का मंदबुद्धि पप्पू प्रधानमंत्री
मंत्री नहीं बन सकता तो 16 साल का क्या बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बन सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी अखिलेश यादव का स्पीच है मंदबुद्धि, भाई शाहीन बाग में 6 साल की बच्ची प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, 6 साल की प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, विवेकानंद भगवा वस्त्र पहने, पता है ये हिंदुओं का वस्त्र है, इसको जला देना चाहिए, ये कहाँ की प्रथा है, ये कहाँ का न्याय है भाई। वो हम तुम्हारी नजर में काफिर हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन तुम कौन से अनुयायी हो और तुम उनके ऊपर लोग सवाल क्यों नहीं उठाते। मंदबुद्धि है, IIT इंजीनियरिंग करके मंदबुद्धि बना बैठा है, साफ साफ पता है उसका ISI से लिंक है, सब कुछ STF वाले सब पूरा प्रमाण दे रहे हैं, फिर भी अखिलेश यादव जैसे लोगों की नजर में वो मंदबुद्धि है। ऐसे कितने मंदबुद्धि आएंगे।